तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसकी आज अपन बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये कार यहाँ पे मूव हो रही है आगे की तरफ, और यहाँ पे आपका एक कैमरा है जो इसको ट्रैक कर रहा है। तो जैसे कार थोड़ी और आगे जाएगी तो कैमरा आपको इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब कैमरे का फोकस आपको बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कैमरे का जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, है ना। तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करने की दो तरीके हैं। एक तरीका है डेफिनेशन वाला, कि ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है, और एक दूसरा तरीका है जो डिफरेंशिएशन वाला। तो पहला तरीका अपन देखते हैं डेफिनेशन वाला। डेफिनेशन वाला तरीका ये है कि आप मान लो पॉइंट ए पर हैं और किसी पॉइंट बी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये लाइन ऑफ साइट है। इस पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी है वो मान लें सपोज कुछ इस तरीके से। अब आपको इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट करना है अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और एक करना है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट, वी साइन थीटा। तो अब ध्यान दो, ये जो कंपोनेंट है ये इस पार्टिकल को आपसे दूर ले जा रहा है। तो इस कंपोनेंट को एक्चुअल में अपन कहते हैं वेलोसिटी या अप्रोच या सेपरेशन। और ये जो कंपोनेंट आप लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, यानी आपकी एक प्रकार से आँख के जो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये इसको रोटेट करवाता है। और ये डिस्टेंस मान लो इस समय आर है, तो आपके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वी साइन थीटा अपॉन डी, ठीक है। यानी आप यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा कि ओमेगा की डेफिनेशन क्या होगी, कि आपको हमेशा अपनी लाइन ऑफ साइट की, मतलब लाइन ज्वाइनिंग है जो पार्टिकल से आपके, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है, ठीक है, और उसको इस डिस्टेंस से डिवाइड करना है जो डिस्टेंस अब दोनों पार्टिकल के बीच है। इस तरीके से ओमेगा कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो है इस प्रॉब्लम में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये कार आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। कार को एक पार्टिकल अपन मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से दी गई है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। ये लाइन ऑफ साइट है आपकी, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा 40, यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ साइन आएगा 40 sin 60। साइन 60 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2, तो हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसके बाद ये डिस्टेंस 30 है, लेकिन आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ये आर हो गई, ठीक है, ये 30 है और ये एंगल है, तो यहाँ पे आप कॉस लगा देंगे अगर, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30/r। cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 30/r, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा बस 30√2/√3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से ओमेगा आपके पास आ जाएगा 20√3/r, 30√2/√3, 20√3/3 हो जाएगा 30√2, ठीक है। तो ये भी 60, ये भी 60, आंसर आ रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये एक तरीका हुआ कैलकुलेट करने का। अब दूसरा जो तरीका है वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, तो अपन अब इस दूसरे तरीके पर बात कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, ये रोड है, इस पर ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है।
आप यहाँ पे हैं इस समय, ये आपका कैमरा है, इससे आप इसको देख रहे हैं। सपोज मान लें डिस्टेंस डी, किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है, ये अब कैमरे की लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। कैमरा आपने घुमा दिया है, कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कैमरे की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ये मान लें अपन कि ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स, ये डिस्टेंस है डी, तो एक्स डी और थीटा में अपन रिलेशन निकालते हैं टेन थीटा की मदद से। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन डी, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टेन थीटा। अब आप ध्यान दें, ये एक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है वही तो इस पार्टिकल यानी आपकी कार की वेलोसिटी है। इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी, ये ध्यान रखें डी कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा आपको, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है टेन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ टी है या डी थीटा, तो अपन डी थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, ये डी बाहर है और ये डी टेन थीटा, यहाँ पे डी थीटा और यहाँ आ जाएगा इन टू डी थीटा अपॉन डी, तो ये टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये डी एक्स वाई डी टी को अपन लिखेंगे वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी वी, तो ये वी हो गई, ये डी है और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इन टू, और ये डी थीटा वाई डी टी हो जाएगा ओमेगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया डायरेक्ट। इसमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगी, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ये, यानी ये आंसर जो है वो हो जाएगा वी अपॉन डी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया, इसका आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो अगर आप क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में जो है वेलोसिटी दी गई थी 40, डिस्टेंस दी गई थी 30 और थीटा था 30 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। कॉस 30 की वैल्यू मैंने √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 40/30 √3/4, तो ये कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो दोनों ही मेथड से आंसर एक ही आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।